क्या सच में जिंदगी भर के लिए चश्मा हट सकता है, आंख की रोशनी आ सकती है, आदमी अपनी खूबसूरत आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है? देखो, अगर 100 लोगों की आंख में चश्मा लगा हुआ है तो 100 लोगों में से 70 या 80% लोगों का चश्मा हट सकता है। अच्छा, बाकी 20 को पहनना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जिन 80 का हट सकता है ना, वो आजकल हम इतना बढ़िया हटा देते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा या बेटर दिखता है। अच्छा। एक नई लेसिक की टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है, उसका नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइस। इसमें फर्स्ट टाइम हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं लेसिक सर्जरी में, और इससे हम इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के लिए कि उसकी नज़र जो एक नॉर्मल इंसान 6x6 देखता है, उसकी नज़र 6x6 से बेटर हो जाती है। 6x5, 6x4, 6x3 इस तरह की नज़र आती है, जिसको हम लोग एक तरह से ईगल्स आई विजन कहते हैं। ओके। एंड अभी अभी ये टेक्नोलॉजी यूके में लॉन्च हुई, लंदन में, जहाँ पे अभी आप मतलब गूगल करके देखना, एक बहुत नेशनल न्यूज़ बनी है वहाँ पे, जहाँ पे एक लीगली ब्लाइंड लड़की का ये वाला ऑपरेशन करा गया, एआई लेसिक वाला, इनोवाइज वाला, और उसकी नज़र 20/20 या 6/6 से बेटर हो गई है। और पहली बार उन्होंने इस तरह का रिजल्ट देखा है, एंड ये एक तरह से पूरी कंट्री में ना नेशनल न्यूज़ बन गई है। सो टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच गई है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मैं दिखा सकता हूँ एक पेशेंट को चश्मा हटाने को ऑपरेशन करके। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग एआई से भी आजकल ऑपरेशन करते हैं, आपने किया है? चश्मा हटाने का ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला अब लॉन्च हो गया। आपने किया है? मैंने फर्स्ट ऑपरेशन करा पूरे इंडिया में। वही तो मैं कह रहा था कि आपके नाम बहुत सी ऐसी चीजें जो पहली बार है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च ही हमने पहली बार इंडिया में हमने कराना। अच्छा। सो पहला पेशेंट ऑपरेट भी हम ही करेंगे। ओके। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, वेवलाइट वाली जो आई है, और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन बात कर रहे थे ना, कैटरैक्ट जो बर्डन है, आजकल उसका ऑपरेशन भी एआई से होता है, लेजर बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी। और फास्ट हो गया होगा बेसिकली। देखो, जब एआई आ जाता है, मशीन्स आ जाती हैं, लेजर्स आ जाता है, एक्चुअली हमें फास्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी, ये दो चीज़ें आ जाए। बेशक सर्जरी 10 मिनट और लंबी हो जाए, मतलब टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी, फाइनल रिजल्ट एंड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो नई नई चीज़ें आती हैं ना, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो सेफ्टी, क्वालिटी, रिकवरी, इन पे काम किया जाता है। तो जब ये एआई टेक्नोलॉजी आ गई, लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई, तो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत सेफ हो गई है, ऑटोमेटेड सर्जरी है, बटन दबाते हैं ऑपरेशन हो जाता है।